जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकसित होने के क्रम में खुद को आगे बढ़ाया, उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी मूलभूत सुविधाओं को भी क्रमबद्ध तरीके से विकसित किया है। एक वक्त था जब एक दरवाजे का आवश्यक और प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना था, लेकिन आज जिस मॉडर्न वर्ल्ड में हम और जिस तेजी के साथ हमारा देश डेवलप कर रहा है, उतनी ही तेजी के साथ वुडन डोर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है। आज के समय में लगभग हर शख्स अपने घरों में डिजाइनर डोर्स ही लगवाना पसंद करते हैं, जो न सिर्फ सेफ होते हैं बल्कि काफी स्टाइलिश भी होते हैं। वुडन डोर्स की खास बात ये है कि ये ना तो सिर्फ लंबे समय तक अपनी मजबूती बरकरार रखते हैं बल्कि आपको सुरक्षित भी रखते हैं और साथ ही साथ काफी अधिक आकर्षक होते हैं। इसका बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के समांतर ही चलता है, तो इसलिए ये कहना उचित होगा कि भविष्य में भी इस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है और आप खुद को भी इसका हिस्सा बना सकते हैं। तो आइए उद्यमी के माध्यम से इस बिजनेस से संबंधित सभी जानकारियों को प्राप्त करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोसेस से। डिजाइनर वुडन डोर्स को बनाने के लिए सबसे पहले बेस डोर तैयार किया जाता है। एक बेस डोर बनाने के लिए सबसे पहले उसका आउटर फ्रेम बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पार्टिकल या पाइन वुड की रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर सीजनिंग की जाती है, जिसके बाद इसे फ्रेम के रिक्वायर्ड डायमेंशन में स्ट्रिप फॉर्म में काट लिया जाता है और फिर इन्हें असेंबल करके आउटर फ्रेम बनाया जाता है। अब वुडन डोर फ्रेम में खाली बचे हुए पार्ट्स को फिल कर दिया जाएगा, जिसके लिए कस्टमर डिमांड के अनुसार पार्टिकल वुड्स का उपयोग किया जाता है। इनर पार्ट फिल होने के बाद डोर फ्रेम रेडी हो जाता है। अब इस डोर फ्रेम को हॉट प्रेस मशीन में फीड किया जाएगा, जिसकी सहायता से एडहेसिव्स कोर एंड फेस को स्टिक किया जाता है और फिर कटिंग मशीन की सहायता से रिक्वायर्ड साइज एंड शेप में इसे काट लिया जाएगा। अब आपका बेस डोर तैयार है। अब उस बेस डोर से डिजाइनर डोर बनाने के लिए इस पर वैल्यू एडिशन प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। सीएनसी मशीन का उपयोग करते हुए डोर्स को डिजायर डिजाइन दिया जाता है, जिसके बाद बेल्ट सेंडर मशीन की सहायता से बेस डोर को स्मूथ किया जाता है। आप चाहें तो कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार HDF कोर MDF कोर को बेस डोर पर एडहेसिव लगाकर कोल प्रेस कर सकते हैं। अब डोर्स पर लॉक अटैचमेंट के लिए बोरिंग की जाएगी, फिर से पेंट सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां डिजायर्ड कलर की स्प्रे कोटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। अब आपके डोर्स तैयार हैं। अब आप इसकी क्वालिटी चेक करके इसे आसानी से मार्केट में सेल करने के लिए भेज सकते हैं। मैन पावर। इस पूरे प्रोसेस में यदि बेस डोर को बाहर से परचेज किया जाए और सिंगल वैल्यू एडिशन किया जाए तो इस बिजनेस को प्रारंभिक स्तर पर शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 35 से 40 मैन पावर की जरूरत होगी, जिसमें 12 से 15 स्किल लेबर, 10 से 12 अनस्किल लेबर, एक सुपरवाइजर, टेक्नीशियन और अकाउंटेंट आदि भी शामिल हैं। रॉ मटेरियल्स। डिजाइनर वुडन डोर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए कच्चे माल के तौर पर पाइन वुड, पार्टिकल बोर्ड, वुडन फिलिंग, वुडन कोर, HDF कोर, MDF कोर, पॉपुलर वुड्स, लेमिनेट्स, एडहेसिव्स, वुड प्राइमर एंड पेंट और केमिकल्स आदि की जरूरत पड़ती है। वहीं मशीनों के तौर पर आपको बॉयलर, सीजनिंग चैम्बर, केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट, कटिंग मशीन, ग्लू स्प्रेडर, वुड प्लेनर, वुडन हॉक्सॉ, हैंड ड्रिल मशीन, वाइट बेल्ट सैंडर मशीन, लॉग बोरिंग मशीन, हिंच बोरिंग मशीन, कंप्रेसर, सीजर लिफ्ट, फोक लिफ्ट, हॉट प्रेस मशीन, सीएनसी राउटर मशीन, वैक्यूम प्रेस मशीन, स्प्रे पेंटिंग मशीन, टेस्टिंग लैब के साथ साथ मास्टर कंट्रोल रूम सेटअप की भी जरूरत होगी। वहीं इस पूरे प्लान को चलाने के लिए आपको कितने एरिया की जरूरत होगी, तो इसका जवाब है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं है। आप 2000 से 2500 स्क्वायर फीट के एरिया के साथ इस बिजनेस की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लोड रिक्वायरमेंट की। पूरे प्लांट को मशीन्स के साथ रन करने के लिए आपको लगभग 45 से 50 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की रिक्वायरमेंट होगी। नोट, उपरोक्त सभी फिगर आपके प्रोजेक्ट के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती है। लाइसेंसेस। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जिन लाइसेंसेस का लेना अनिवार्य है वो है GST, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा
चलाई जा रही पीएमईजीबी योजना का लाभ उठा सकते हैं, जहां 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले हमें उसमें लगने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे को अच्छे से समझ लेना चाहिए। वहीं डिजाइनर वुडन डोर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको जिन मशीनों की जरूरत होगी उसकी कॉस्ट लगभग 18 से 20 लाख रुपए है और आसानी से आप इस बिजनेस से 12 से 15% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं एक सफल उद्यमी तो आज ही इस व्यवसाय को शुरू कीजिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। फिलहाल इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सभी सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526000444 पर भी कॉल कर सकते हैं।